क्या आप भी चाहते हैं आपके बाल दो गुने लंबे, काले, घने और मोटे हो? तो हफ्ते में दो बार आपको घी बालों में ज़रूर लगाना चाहिए। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शैलजा, स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मैं आपके साथ रिज़ल्ट शेयर करना चाहती थी। मैंने अपने बालों में घी लगाया था और आफ्टर वॉश ये है रिज़ल्ट। बाल काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, शाइन हो गया है और कंडीशनिंग हो गया है बाल। सी, आप देख सकते हैं मेरे बाल काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। घी को खाने के अलावा भी हम टॉपिकल एप्लीकेशन कर सकते हैं बालों में। जी हाँ, घी को हम लगा सकते हैं अपने बालों में। बालों को कंडीशनिंग करता है घी। इज़ अ नेचुरल कंडीशनिंग टू आर हेयर। वो एक नेचुरली कंडीशन करता है हमारा बालों। एशियन टाइम्स में लेडीज़ जो होते थे वो घी को ज़्यादातर लगाते थे अपने बालों में, क्योंकि घी में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो बालों को बहुत सॉफ्ट कर देते हैं। रिच इन वाइटमिन्स होते हैं, वाइटमिन ए, वाइटमिन डी और वाइटमिन ई होता है, जो हमारे बालों को कंडीशनिंग करता है, नेचुरली कंडीशनिंग करता है, जड़ों को मजबूत करता है घी, प्रिवेंट करता है हेयर लॉस को, प्रमोट करता है हेयर ग्रोथ को और हमारे स्कैल्प में जो बूस्ट करता है, सीबम प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, हमारे जो लेंथ में जो बालों में जो ड्राई और रफनेस है उसको ट्रीट करता है, नरिश करता है और हमारे डैमेज्ड हेयर को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। ओवरऑल वो मॉइस्चर लॉक करता है हमारे बालों। घी इज़ वेरी गुड फॉर प्री मैच्योर ग्रे हेयर के लिए, बहुत अच्छा है। जिनको वाइट बाल की समस्या है या फिर ग्रे हेयर का समस्या है, उन लोगों के लिए घी बहुत ही अच्छा काम करता है बालों में। तो इट इज़ बेस्ट फॉर ग्रे हेयर, प्री मैच्योर ग्रे हेयर के लिए बेस्ट है घी। तो ये था बेनिफिट्स ऑफ घी। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे सही तरीके से घी को लगाना चाहिए। पहले तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ होम मेड देसी घी ले रही हूँ। ये घर का बना हुआ ही देसी घी है। तो आप देख सकते हैं देसी घी बहुत ही थिक कंसिस्टेंसी में है, तो हमको थिक डायरेक्टली नहीं लगाना चाहिए। ना मेरा लेंथ है उस क्वांटिटी में घी ले रही हूँ। तो घी एक बाउल में लीजिए। उसके बाद हमको डबल बॉयलर मेथड में हमको बॉयल करना है, एक लिक्विड लाइक कंसिस्टेंसी में लाना है उसको।
स्कैल्प में लगाना चाहिए और पूरे लेंथ में लगाना चाहिए। लेंथ में इसलिए क्योंकि ड्राई और डैमेज बाल को वो ट्रीट करता है, नरिश करता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है डैमेज हेयर को। और स्कैल्प में जब हम अच्छे से सर्कुलर मोशन में हम जब मसाज करते हैं घी को, तो वो ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है। जब वो ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, जो ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, तो ऑब्वियसली हमारे बाल तेज़ी से लंबे हो जाते हैं। तो ये घी हमारे बालों को 2 गुना लंबा बना देता है, काला बना देता है, मोटा और घना बना देता है। तो ओवरऑल घी इज़ वेरी गुड फॉर अ हेयर, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों को प्री मैच्योर ग्रे हेयर की समस्या है, उन लोगों के लिए घी इज़ द बेस्ट। घी को रख रही हूँ पूरे मेरे बालों में, ओवरनाइट रख रही हूँ एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हेयर वॉश करूँगी। मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको अच्छा रिजल्ट, बेस्ट रिजल्ट चाहिए, अच्छा कंडीशनिंग चाहिए बालों में, तो घी को रात में लगा के सोइए। जी हाँ, जब लगात बाल काफ़ी ग्रीजी होगा और बहुत यू नो घी का खुशबू आएगा बालों में, तो इट्स फाइन। तो नेक्स्ट डे जब हम शैम्पू करेंगे, तो अच्छे से शैम्पू करना है, तो शैम्पू थोड़ा ज़्यादा हमको लगेगा घी को निकालने में बालों से, बट इट इज़ लाइक इट गिव्स अ वेरी गुड रिजल्ट आफ्टर वॉश। आप चाहो तो कंडीशनर लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू, बट घी इट्सेल्फ एक्ट एज एन कंडीशनर टू आर हेयर। फॉर बेस्ट रिजल्ट आप वीकली 2 टाइम्स घी लगा सकते हैं अपने बालों में, और एटलीस्ट 2 या 3 मंथ्स तक आप ये कंटिन्यू करेंगे, तो आपका बाल काफ़ी चेंज हो चुका रहेगा। आई मीन You can see the difference on your hair. गाइस, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम में भी। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है शैलजा रविंद्र कुमार। मैंने लिंक इंस्टाग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। प्लीज़ फॉलो मी इन द इंस्टाग्राम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज। थैंक यू।